करिए गौर विचार, नानक बेड़ी सचती तरिए गौर विचार। सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जीओ, जत पहारा धीरज सुनियार, अहरण मत वेद हथियार, पाओ खला अगन तपताओ, भांडा पाओ अमृत तित टाल, घड़िए शब्द सची टकसाल, जिन कौ नदर करम तिनकार, नानक नदरी नदर निहाल, जिन कौ नदर करम तिनकार, नानक नदरी नदर निहाल। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु साहिब जी, ज्ञान अंजन गुर दिया, अज्ञान अंधेर बिनाश, हर कृपा ते संत भेटिया, नानक मन परिगास, हर कृपा ते संत भेटिया, नानक मन परिगास। सतगुरु धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दी पावन पवित्र गोद विच बैठ परमेश्वर जी दी सिमृति विच सुरत जोड़ के परमेश्वर जी वल्लों बख्शिश किते हुए मनुखा जीवन सतगुरु जी दी पावन बाणी दे शब्द दी सोझी नाल सवारन दा जतन कर रहे सतसंगी जन, आओ गुरदेव जी दी बख्शिश कीती हुई गुरु फतेह नाल सारे सांझ पाईए। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। सतगुरु मार्ग दिंदे ने, सिख उस मार्ग ते तुरन दा जतन करदा है। सतगुरु मार्ग बख्शिश करदे ने, सिख उस मार्ग ते तुरन दा जतन करदा है। जेड़ा मार्ग सतगुरु बख्शिश करदे ने, वो मार्ग मंजिल नाल जुड़िया होया, टिकाणे नाल जुड़िया होया मार्ग है। इस मार्ग ते जो चलेगा मंजिल उसनू मिलेगी, यकीनन आप सारे जानते हैं। मार्ग ते चलन नल मंजिल मिलती है, मार्ग दी सिमरती नल मंजिल नहीं मिलती। फिर ध्यान देना, मार्ग ते चलन नल मंजिल मिलती है,
मार्ग की सिमरती नाल मंजिल नहीं मिलती। फैसला साढ़े हाथ विच है, असी चलना कि नहीं चलना, तुरना कि नहीं तुरना। गुरदेव अपना करतब निभा रहे ने, सदियां तो निभा रहे ने, अज भी निभा रहे ने, आने वाले समय विच भी मेरे गुरदेव का करतब निभदा रहेगा। जपजी साहब की पावन बाणी दे अंदर सतगुरु ने संसार दे सामने जो ज्ञान परोसे, इन्ना क अनमोल ज्ञान है जिद शैन सानू सारी जिंदगी विचार करते रहिए समझ ना पै सके। ये ज्ञान किन्ना क कारगर है, किन्ना क सार्थक है, किन्ना क लाभदायक है, किन्ना क फलदायक है। ये भागा वाले साड़ी तुश बुद्धि जड़ी है इसनू नहीं अंदाजा ला सके। सतगुरु सानू लै के चले ने, साड़ी सुरत का सफर कराए, सानू अज्ञानता चों कढ़ के दतार पिता ने अपने शब्द के सहारे नाल सानू तोरे, ते असी चलदे हाँ चलदे हाँ एक मुकाम ते पहुंचे। 37 पौड़ियां दे अंदर असीं सफ़र कीता है, असीं कदम अगे वधाए ने। जिन्हां कदमां नाल आपां सफ़र कीता है वो साड़ी सुरत दे कदम ने। सुरत इस मार्ग ते आपां ने सुरत करके चलना है। गुरदेव ने तोरिया, साड़ी सुरत नूं टुंबिया, जगा के सन लै गए संसार विचों, परिवार विचों सुरत नूं बाहर कढ़े। साढ़े निज तों बाहर कढ़े, क्योंकि जिवें जिवें शब्द अंदर जांदा है तिवें तिवें साढ़े जिहड़ी अंदर अपनी पकड़ है, निज की पकड़ है, तिवें तिवें पकड़ टुटदी है। कदी इतिहास के पन्ने फोल के देख लीए, गुरदेव ने दुनिया के दरवाजे ते खलो के मंगण वाले मनुख की बांह नू पकड़ के कहा सी भलिया की पिया करने। कदी साखी पढ़ी होएगी, आपने सुनी होएगी, एक मनुख एक बंदे दे दरवाजे ते खलो के मंग रहे है, ते धन गुरु नानक नूं चंगा नहीं लगे, अज भी नहीं चंगा लग रहा। एक बंदा बंदे दे दरवाजे ते खलो के मंगे, गुरु नानक नूं चंगा नहीं लगता, मेरे गुरदेव नूं चंगा नहीं लगता। गुरदेव चाहते ने दुनिया का बंदा मंगे तो सही, पर बंदे दे दरवाजे ते खलो के नहीं। इस व्यक्ति की बांह तू पकड़िया, गुरु नानक जी ने पकड़िया, जदों ये अंदरों हिलिया, ये अंदर हरकत हुई, ये अंदर कुछ होया, ध्यान गुरु नानक जी दे पावन मुखार बिंद ते गया होएगा, मेरी बांह पकड़न वाला कौन है। अपने नेत्र गड्ढे होणगे गुरु नानक दे पावन मुखार बिंद उत्ते, अंदरों सवाल निकले होएगा, मैनू क्यों रोकिया क्यों गया, मेरी बांह नूं पकड़िया क्यों गया, मैनू इस पास वरजिया क्यों गया, मैनू होड़िया क्यों जा रहे। मैं तो अपनी जिंदगी का गुजारा करने लई बंदे दे दरवाजे ते खलोता है। बाबा कह नहीं भलिया, ये मनुखी जामे की तुहीन है। बंदे दे दरवाजे ते खलो के हाथ दी तली अगे करके मंग लेना मनुखी जामे दी तुहीन है। शब्द ने चेतना पैदा की थी।
शब्द ने अंदर नवे विचारां नूं जन्म दिता। बस साडे भी सुरत नूं शब्द ने टुंबे। एक अरदास वार वार आपां सारे करिया करिए कि गुरु नानक जी का पावन शब्द साडी सुरत नूं टुंब जाए, साडी सुरत जाग जाए। तो जाग के साडी सुरत जिहड़ी है ना, यह संसार का सफर नहीं, ये निरंकार दे सफर नूं निकल तरे। गुरु नानक जी साडा सफर कराना चाहते, दुनिया का बाप ते बच्चे नूं संसार वाले पासे लेके जांदे। दुनिया की माँ सानूं संसार दे रिश्तेदारां दा ज्ञान करांदी है। दुनिया की दादी नानी सानूं परिवार ते समाज दीआं सांझां बारे दसदी है। पर मेरे गुरदेव पिता साडी सुरत की उंगल पकड़ते ने शब्द के द्वारा, तो सानूं दसदे ने तैनूं मैं जिंदगी दे सोमे नाल जोड़ना चाहना है। भलिया संसार के दरवाजे ते खलो के मंगना, ये परमेशर दे दित्ते हुए मनुखी जीवन की तुहीन है। शब्द जदों रगड़ा खांदा है उस तरह की हरकत हुंदी है, जिवें साडे घर विच पई हुई माचिस की डब्बी एक तील अंदरों कढ के जदों बाहर दे पासे आपां रगड़दे हां, उह तील चों कुछ चंगियाड़े निकलदे ने, कलाट निकलदी, जिहनूं आपां अग कहिंदे हां। शब्द जदों साडी सुरत नाल रगड़िया जांदा है ते साडी सुरत दे अंदर एक चेतना जन्म लैंदी, उह चेतना गुरु दे ज्ञान दे मार्ग दा पांधी बनदी है। तो ज्ञान का पांधी बनते पर शब्द के मगर मगर चलण की कोशिश करती, फिर वो अंदर ज्ञान की अख खुलती है। वो अंदर आप रात भी विचारिया बोध पैदा होंदे, पहलों अपना निज वेखदा सी, अपना कुटुंब देखदा सी, अपना भाईचारा देखदा सी, अपनी बरादरी देखदा सी, अपनी कौम देखदा सी, अपना प्रांत देखदा सी, अपना देश देखदा सी, हुण नहीं देखदा। हुण शब्द उहनूं कढ के लै गया, निज चों इन्ना उपर लै गया, उहदे दिल दिमाग विचों अपना सब कुछ निकल गया। जिहदे नाल मैं जोड़ी बैठा सी ना, ये मेरा अपना आपा है, मेरा तन है, मेरा कुटुंब है, सब कुछ निकल गया। हुण पहुँच गया धर्म दे खंड विच, उत्थे की दिखाई दिता विचार ले। शब्द ने इत्थे रुकण नहीं दिता, शब्द इत्थों अगे लै के साड़ी सुरत नूं अगे लै के चल पिया। मेरे गुरु नानक जी का पावन बोल अगे लै के तुर पिया साड़ी सुरत नूं, ते लै के ज्ञान दे खंड विच पहुँचा दिता। ते शब्द कित्थे लै के जांदा है, शहदे दी कोई कोई सार जानता है। शब्द की कीमत, बाबे नानक दे ग्यानवें बोलां की कीमत, एक अजे फिर समा मिलिया आपां करन की कोशिश करांगे। अज प्रकरण विच रह के गुजारा करांगे। शब्द ने सुरत नाल लिया, नहीं इत्थे नहीं रुकना, ज्ञान दे खंड तों वी अगे चलना है, अगे तुरना है, ठहरना नहीं आपां इत्थे। ते उही शब्द साड़ी सुरत नूं लै के चला गया शर्म दे खंड विच, उस अवस्था विच लै गए जिथे सजावट है, जिथे बनावट है, जिथे खूबसूरती है, जिथे सुंदरता दे असली भेद खुलदे ने। उस मशक्कत दे घर विच खड़ के साडे सामने उह परमात्मा दी किरत द्वारा किवें रूप घड़े जांदे ने, किवें संसार दे अंदर सुंदरता दा परमात्मा मजस्मा बन के सामने प्रगट हुंदा है। उस तों अगे सुरत नूं फिर शब्द ने नाल लिया, आ मैं तैनूं बख्शिश ते कर लै चलना। जिथे पिछोकड़ भुल जांदा है, पिछला पासा भुल जांदा है, आ मैं तैनूं अगे लै चलना, इत्थे रुकना नहीं। तो शब्द ने साडी सुरत नूं चुकिया ते पल्ले लै गया शब्द सानूं कर्म खंड दे अंदर, जिथे
आप जी ने महसूस किया है उथे जोड़ है केड़ा सोने की सुई रुपए का तागा करमात हो गई। पहला तो लोहे की सूई च आप कपाह का कत्या सूत पाते सी, पहला तो सानू अपना कमीज उदड़िया दिखाई देता सी, हुण सुरत चले गई बख्शिश दे घर दे अंदर। तो बख्शिश दे घर दे अंदर इहो जी अवस्था गुरदेव पिता ने साडे सामने सिद्ध भलिया, तू बड़ा लम्मा सफर किया है, तू परिवार विचों बाहर निकले है, निज चों बाहर निकले है, तू सफर करदे आ करदे आ धर्म खंड ज्ञान खंड शर्म खंड लंघ के आए भलिया, हुण तेरी सुरत दा जोड़ संसार नाल नहीं, हुण तेरी सुरत दा जोड़ करते दी सिफतो सलाह नाल है। तिथे सीतो सीता मैं मां माहे ताके रूप ना कथने जाए, अवस्था है सोने की सुई रुपए का तागा नामे का चित, नामे का चित साड़ा किथे है, अपना कित्थे है, ये मालक की गोद विच बैठे हाँ, ये भलियो आप केवल बाणी दे बारी अखर नहीं अर्थ नहीं करने, असी नाल नाल देखना साडा चित कित्थे है, बाणी जो कह रही है ये साडा जोड़ बनिया कि नहीं बनिया। तिथे सीतो सीता महिमा माहे ता के रूप ना कथने जाए, तो नामदेव जी कहते भलियो मैं तुम अपनी जिंदगी का अनुभव दसदा, जो मैं इस खंड विच पहुंचया जो मैं इस खंड विच गया उदो मेरी दशा यह सी कि सोने की सुई रुपए का तागा नामे का चित हर सिउ लगा। उते की फिर है नामे नारायण, नामे नारायण ना ही भेद, नामे नारायण ना ही भेद, नामे कचित हर सिउ लागा। इस खंड विच पहुँच के इस हदशा विच पहुँच के जदों सुरत इस हालात विच ले जाए भले फिर संसार कित्थे है, फिर सच खंड वसे निरंकार कित्थे 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 वसदा दिखाई देंदा, सतवें पताल च सतवें आकाश दक्षिण विच पश्चिम विच क्यों जी, फिर कित्थे वसदा दिखाई देंदा। जेड़े इस अवस्था च नहीं गए ना वही कहंदे ने, कबीर जी कहंदे ने कोई की कह रहा, दक्षिण देश हरी का बासा पश्चिम अल्लाह मुकामा, गुरु नानक ही कहंदे ने एक विचार तारा ये कह रही है, पश्चिम देश हरी का बासा दक्षिण देश हरी का बासा पश्चिम अल्लाह मुकामा, दक्षिण विच हरी वसद पश्चिम विच अल्लाह वसद, ये दो विचारधारा वक् वक् गूंज रही सन। बाबे नानक ने सुरत में चुकया तो इस दशा में लै गया जिथे सुरत सत नाल जुड़ गई, तो सत नाल जुड़ी हुई सुरत चो आवाज आई, परमात्मा कित्थे है तू सबनी थाई, तू सबनी थाई, तू सबनी थाई, अगे की है जी उची बोलिए, तू सबनी थाई जिथे हो जाई, जिथे मैं जाना उत्थे तू है, कमाल हो गया ना। हुण ये कथन ही नहीं है, आपां ते कथ रहे मेरे वर्गा ते कथ रहे केवल सुनाउण लई गल सुना रहे, तो गुरु नानक जी जदों गल करदे ने ना वह कथ नहीं रहे, वह हकीकत बयान कर रहे ने, वह सच कह रहे ने, उन्हां लई वाकई सच है। उन्हां दी इस तरह
वेख्या ते वेखन तो बाद बचन कह दिते बलिहारी कुदरत वसया तेरा अंत न जाई लखया। गुरु नानक सचखंड वसा है निरंकार बस। हुण सिर्फ सत्संग चली गई है, शब्द लेके गया है। 78वीं पौड़ी दे अंदर यह शब्द कित्थों आउंदा है, शब्द की बनतर कित्थे बनती है। जिहड़े शब्द की गुरु वरतों करदा है, जे शब्द नाल गुरु सानू निज चों कढ़दा है, जे शब्द की ताकत नाल सानू कटंब चों बाहर कढ़दे ने, जे शब्द की ताकत नाल साड़ियां मोह दियां तंदां तोड़दे ने, जे शब्द की ताकत नाल साडे बंधन कढ़दे ने, जे शब्द की ताकत नाल जातां दे किले ढाउंदे ने, जे शब्द की ताकत नाल मजबां दियां हद्दां मेड़दे ने, जे शब्द की ताकत नाल देशां दियां सरहद्दां तोड़दे ने। इस शब्द का जन्म गुरु दे हिरदे च कित्थों हुंदा है? यह 78वीं पौड़ी है। तो मालक कहिंदे शब्द तेरे विच भी पैदा हो सकता है, ये शब्द की घड़ तेरे अंदर भी घड़ी जा सकती है। गुरु नानक जी इस तरह की कोई गल नहीं करते, जेड़ी गल गुरु को होवे ते गुरु दे सिख को ना आवे। संसार विच इतना कदी नहीं होया। पैगंबर पैगंबर रहा, जिहड़ा शिगिरद सी शिगिरद रहा, पर गुरु नानक का घर एक नवेकली जी पैर पाउंदा है। इत्थे जिहड़ा सेवक है इस साहिब दे नाल इक मिक हुंदा है। कदी बाणी दे बचन आप पढ़ के देखिए, जो कुछ ठाकुर का, जो कुछ ठाकुर का सो सेवक का, सेवक ठाकुर ही संग जहर जियो। ये करामात है, ये अजमत है। भलिया तो सारी जिंदगी मंगण वाले पासे वेखे जाएगा, नहीं मैं तेन इतने चुकना चाहना कि सारी जिंदगी तू बंदियां दे दरवाजे ते हाथ दी तली करके खड़ा नहीं होएगा। मैं तेन बंदे दे दर ते जाण तो रोकना चाहना, आ मैं तेन मालक दे घर ले जावा जिथे खजानिया का मालक तू ही बन जाएगा, उस दर ते लैके जाना चाहना। तो गुरु नानक जी आवाज़ मार के कुछ कहना चाहते, आ मैं तुम दसना चाहना है कि इस शब्द की घाट किवें घड़ी जाती है, इस शब्द का जन्म किवें हुंदा है, इस शब्द के वारस किवें बनींदा है, इस शब्द तेरी जिंदगी तेरे अंदर कदों घड़िया जाएगा। कितने तू ये वेख के अकेवा ना खा जाई, मेरी तो समर्था नहीं है, मेरी तो पहुँच नहीं है, मैं तो इतने जा नहीं सकता। आम तौर पर दुनिया का बंदा निराशा च जूंदा है, खास तौर पर धर्म की दुनिया विच दे गल करो, नहीं जी साढ़े भागों च कित्थे जी, मैं असी किवें ज्ञानी हो सकते हैं जी, असी किवें बाणी पढ़ सकते हैं जी, असी किवें शब्दी विचार कर सकते हैं जी, खिमा करना ये निराशा साढ़े विच नहीं चाहिए। यह निराशा गुलामी का प्रतीक है। इसे निराशा ने पुजारीवाद नूं जन्म दिता है। इहड़ी निराशा है ना, इसे निराशा ने पुजारीवाद नूं जन्म दिता है। इसे निराशा ने बंदे पूज बनाए ने, इसे निराशा ने मनुख के अंदर वहम पाए ने, इसे निराशा ने मनुख के अंदर भरम पैदा किए ने, इस निराशा ने साढ़े अंदर संशय पैदा किए ने, इस निराशा ने साढ़े अंदर भटकना पैदा की है। गुरु नानक ने निराशा तोड़ी है, तो निराशा टुट के कितने पहुँच जाता जग्यासु? कदे आपने इतिहास के पन्ने की गाथा सुनी होएगी, कदे जन्म साखी पढ़ी होएगी कि भाई मरदाना गुरु नानक के सामने बह जाते हैं, जिहदी बांह फड़ के कहा सी ना बंदे दे दरवाजे ते मंगना नहीं, वह भाई मरदाना ने। तो शब्द नाल सुरत जुड़ गई, तो एक दिन बाबे नानक के सामने बह गए भाई मरदाना जी। आपां ते गुरदेव के सामने बैठन तो डरते हैं ना,
रागी बह सकता है, ग्रंथी बह सकता है, आपा नहीं बह सकते। क्यों? सानू अपनी मन की मत ना त्यागनी पवे। बड़ा बहाना वधिया है, असं अपनी अग्ञानता नहीं छलनी चाहते, असं अपनी बेसमझी दी जंजीर नहीं तोड़निया चाहते, असं अपनी अग्ञानता की इन्नी पुष्पनाई करते हैं कि मेरी अग्ञानता मरना जाए। तो धन गुरु नानक जी ने कहना पै गया, दुनिया का बंदा कदे धर्म मंदिर विच भी गया ना, अपनी अग्ञानता नाल लेके गया। जे धर्म मंदिर अंदर पूजा करता बंदा दिखाई देता है तो ज्ञान वाला नहीं गया। उत्थे कौन गया? कदे श्लोक 12 तो वधीक च पढ़ के देखो, ज्ञानहीन ज्ञानहीन अज्ञान पूजा अंधवरतावा पाओ दूजा। हुण ज्ञानहीन मनुख कहिंदा मैं ज्ञानी बनना है, पूजा करनी चाहता है, अज्ञानता छड्डनी नहीं चाहता, कहिंदा अज्ञानता बरकरार रवे, अज्ञानता मेरी कायम रवे, पर मैनू संसार धर्मी कह दे। बस यह सदियों तो बंदे की दौड़ इत्थे खलोती, मैं अज्ञानी रवां, मेरी मन की मर्जी कायम रवे, पर संसार मैनू ज्ञानी कवे। नहीं, बाबा नानक ने बड़िया कमाल दियां गल्लां कीतियां। ये साडा स्कूल है। भाई मरदाना गुरु नानक दे सन्मुख बैठ गए तो कहिंदे, बैठ के एक दिन बाबा नानक जी ने संवाद शुरू कर लिया, वार्तालाप शुरू कर लिया। जिहड़ा सानू भी चाहिए, धन गुरु ग्रंथ साहिब संवाद रची, आप संवाद की रचिया, बाबा ये जन्म साखी दे बोलने, बाबा बहुता माण ना करी। हुण कमाल है, भाई मरदाने की हिम्मत, उहदा साहस, उहनां दा हौसला, बाबा बहुता माण ना करी। एक बच्चा अपने बाप के सामने बह के शब्द कवे तो बाप के अंदर हैरानी पैदा होएगी, ये बच्चा कित्थों बोल रहे, ये बच्चा किस अवस्था च बोल रहे, ये बच्चा किवें इस तरह की गल कर रहे। बाबे नानक ने चेहरे ते अखां गड़ी होणगियां, मरदाने आ दस भलिया कहना की चान। तो पता मरदाना जी ने की कहा, बाबा बहुता माण ना करी, तेरे विच मेरे विच बहुता अंतर ना आई। बाबा बहुता माण ना, शब्द कित्थे लै गए? आप शब्द की गल कर रहे हैं, जिन्हें साड़ी सुरत नूं चुकिया तो सचखंड के मुकाम ते लिया के खड़ा कर दिता। भाई मरदाना जी कित्थों बोलते ने, बाबा बहुता माण ना करी, तेरे विच मेरे विच बहुता अंतर ना ही। बाबा तू भी डूम, मैं भी डूम, बाबा तू ही डूम, मैं भी डूम, बाबा तू ही मरासी ते मैं भी मरासी। बस बाबा फर्क इन्ना कह, तू रब दा डूम, तू रब दा डूम, मैं तेरा डूम। आप कदों गुरु नानक दे डूम बनांगे? आप कदों गुरु नानक दे घर दे मरासी बनांगे? अज तो मरासपना बंदियां दा कर रहे हैं, अज साढ़े को जी जय जयकार हो रही है ना, जे वड्याई कर रहे हैं आप संसार की कर रहे हैं, जे किसी वड्डा कह रहे हैं, बंदे नूं कह रहे हैं, डेरेदार नूं वड्डा कह रहे हैं, पता नहीं किहड़े किहड़े शब्द नाल वरत के बाबे नानक नूं नीवा करन दी कोशिश कर रहे हैं, गलती कर रहे हैं, गुस्ताखी कर रहे हैं। कहना तो सी, बाबा तू भी डूम तो मैं भी डूम, तू रब दा डूम, मैं तेरा डूम। गुरु नानक इत्थे लै के गए ने, यही सचखंड है, जिथे जाके सुरत इन्नी उपर उठ जाए कि गुरु नानक भी व्यापक दिखाई देवे, ते गुरु नानक द्वारा बयान किया परमेश्वर भी व्यापक दिखाई देवे, प्रभु भी सानू जरे जरे उच व्यापक दिखाई देवे। बस यह शब्द लैके तुरया जा रहे, इस शब्द की बात मेरे गुरु नानक जी पा रहे हैं। भलिया आ तैयारी कर ले, तू शब्द अपने अंदर पैदा करना चाहना, तू अनुभव करना चाहना,
जिहड़े शब्द ने तेनू चुकिया इत्थे लै के आंदा, ये शब्द की घाड़त किवें घड़ी जांदी है, ये शब्द अंदर पैदा किवें हुंदा है, शब्द का जन्म किवें हुंदा है, ये शब्द दे तू किवें अपनी जिंदगी च माण सकदा है, आ मैं तैनू दसना चाहना। हुण इत्थे आके जगियासु गुरु नानक दे सन्मुख चला गया, आके सुरत गुरु नानक वाले पासे टिक टिकी ला के खलो गई, बाबा नानक बख्शिश कर दिओ। ते बख्शिश करदे आ 78वीं पौड़ी दे इह बचन भाई साहब जी बोल रहे ने, बाबे नानक दे मुखार बिंद विचों निकले ने। हाँ जी, वाहिगुरु जी जत पहारा धीरज सुनियार, अहरण मत वेद हथियार। भलिया आ मैं तेरे अंदर ऐसी अवस्था किवें पैदा होंदी है, किवें जन्म लेंदी है, शब्द की घाड़त किवें घड़ी जाती है, इहदे वास्ते वातावरण किस तरह का चाहिए, माहौल किस तरह का चाहिए। आ भलिया सब तो पहला सुनियारा जी दुकान का नाम फहारा, पहारा ये जत इंद्रियां ते काबू, जत जिस व्यक्ति ने इंद्रियां ते काबू पा लिया बहुत बिखम काम है, बहुत बिखम काम है। ये दौड़ रही ने, बारमुखी क्रिया कर रही ने, इन्हां नूं रोकणा बंदा हार जांदा है। संसार विच बहुते साडे वर्गे हारे हुए मिलदे ने। गुरु नानक जी ने कहिंदे जिस थां ते शब्द घड़िया जाना है ना भलिया, वो पहारा जत दा चाहिए, तेरा इंद्रियां ते काबू चाहिए, ये चलाए मान नहीं चाहिए, ये दौड़न वालियां नहीं चाहिए। सुखमनी साहब की पावन बाणी, जिस पावन अष्टपदी दे अंदर अपश्य मनुख की परिभाषा की गई है, उस पावन अष्टपदी के अंदर गुरदेव गुरु अर्जन साहब कहते हैं इंद्रिय जित पंच दुख ते रहत, नानक कोट मदे, नानक कोट मदे को ऐसा अपर्स जनखना नहीं। इंद्रिय जित पंच दुख ते रहत, जिन्हें इंद्रिया नू जित लिया, जिहड़ा पंजां दुखां तो मुक्त हो गया, नानक कोट मदे को ऐसा अपर्स, ये वस्सा विखम है, मनुख इतना तुरना नहीं चाहता। करिए गोर विचार नानक बेड़ी सचती, करिए गोर विचार करिए गोर विचार नानक बेड़ी।